अर्ज क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा कोई तर्क। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा कोई तर्क, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को लेकर के दोस्तों आज मैं आप सभी के जहन में, आप सभी के दिमाग में एक कॉन्फिडेंस को पैदा कर दूंगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो ज्यादा बात मैं आपसे नहीं करूंगा, इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगेगी, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, यानी टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका आज क्लियर हो जाएगा, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा अनसब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टाइम एंड वर्क की। तो दोस्तों चलते हैं अब हम यहां पर सबसे पहला, यानी टाइम एंड वर्क क्या होता है, इस बात को आप बिल्कुल सही तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, सबसे पहला स्टेप, मैं थोड़ा सा इनको यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए दो बंदे हैं, दो बंदे, एक का नाम क्या है, एक का नाम सोनू है, और सोनू जो है वो एक दिन में दो कुर्सियां बना पा रहा है ना। सोनू जो है वो एक दिन में दो कुर्सियां बना पा रहा है, और उसके बाद में मोनू जो है वो किसी काम को, यानी मोनू जो है वो एक दिन में उसी एक कुर्सी को बना पा रहा है। तो जरा मुझे बताओ कि सोनू जो है वो एक दिन में दो कुर्सियां बना रहा है, मैं आपसे कहता हूं कि 7 दिन में सोनू कितनी कुर्सी बनाएगा, उसकी 2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 7 × 2 = 14, यानी वो 14 कुर्सी बना पाएगा एक दिन में। कुर्सी के माध्यम से समझेंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में। उसके बाद में यहां पर मोनू की अगर मैं बात करूं तो मोनू 7 दिन में कितनी कुर्सी बना पाएगा, अरे भाई एक दिन में एक बना पा रहा है, तो मोनू थोड़ा सा सुस्त है, तो उसको किस तरीके से करेंगे, यानी एक दिन में अगर वो एक कुर्सी बना पा रहा है तो 7 दिन में वो 7 कुर्सी बना पाएगा, इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो यहां पर हमने गौर क्या किया, जरा सच बताओ दोस्तों, यहां पर काम टाइम जो है वो कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है और काम ज्यादा हो रहा है, यहां पर काम कम हो रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इससे क्या बात स्पष्ट हुई, इससे क्या बात प्रूव हुई, इससे ये बात प्रूव हो चुकी है कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, हो जाए, हो गई। तो उसके बाद में एक बात यहां पर और मैं करने वाला हूं, यानी सोनू जो है यहां पर, सोनू जो है वो उसकी जो एफिशिएंसी है, यानी वो किसी काम को 2 दिन में कर रहा है ना, और मोनू जो है, यानी मोनू जो है वो उसी काम को एक दिन में कर रहा है। दूसरा यहां पर स्टेप समझिएगा आप, मोनू उसी काम को, यानी एक काम को एक दिन में कर पा रहा है, यहां पर टाइम कम लग रहा है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर टाइम कम लग रहा है, काम ज्यादा हो रहा है ना, और यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर एक टाइम ज्यादा लग रहा है और काम कम हो रहा है। तो टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपसे कहूंगा क्या कि सोनू जो है, यानी सोनू जो है, ध्यान से समझना इस चीज को आप, इस वाले कॉन्सेप्ट को, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, इसका मतलब क्या हुआ कि क्षमता जो है, यानी यहां पर ये दुगना काम कर पा रहा है, किससे, सोनू से, मोनू से, सोनू जो है वो दुगना काम कर रहा है, चूंकि ज्यादा फुर्तीला है, इस बात को आप समझ रहे। तो यहां पर मोनू जो है वो काम कितना कर रहा है, यहां पर वो एक ही काम कर पा रहा है, लेकिन ये दुगना काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क और एफिशिएंसी, वर्क और सॉरी टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो एफिशिएंसी और वर्क ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टाइम एंड वर्क ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं अब हम कॉन्सेप्ट की ओर, कॉन्सेप्ट तो सीख चुके हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर, अब कैसे करेंगे, दो मेथड करेंगे इसके, दो इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा, एक ट्रेडिशनल और दूसरा बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में, आप बने रहिएगा इस वाली पूरी वीडियो में। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। पहला यहां पर आपकी स्क्रीन पर मैं ऑप्शन रख देता हूं, यहां पर 4 ऑप्शन गए आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए 6 days, दूसरे ऑप्शन में आपको कहा गया है 7 days, यानी 1/6 days, ठीक है, और सी ऑप्शन में आपको बताया गया है 7 days,
और यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1/7 days। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कैसे पता लगाएंगे, दो मेथड है सॉल्व करने के। देखिए यहाँ पर ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है ना। तो जरा मुझे बताओ वो वर्क टाइम कितना लगेगा उसमें। अरे भाई एक काम को वो 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1 दिन में 1/10 ही तो काम करेगा वो। यहां पर आप समझिएगा, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में, है ना। तो वो 1 दिन में कितना करेगा, यहां पर समझिएगा आप, 1 दिन में, 1 दिन में, 1 दिन में कितना करेगा, 1/10 वर्क, यानी 1/10 वर्क कर पाएगा 1 दिन में। बात 1 दिन की हो रही है, 10 यानी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और उसके बाद में वो 1 दिन में 1/10 काम करेगा। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया टाइम एंड वर्क एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो उसके बाद में यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप, बी उसे 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1 दिन में बी कितना करेगा, बी जो है वो 1 दिन में करेगा, बी 1 दिन में करेगा में करेगा कितना बार करेगा 1 दिन में, 1/15। अरे यही तो स्टेप फॉलो करना है ना आपको, 1/15। बस आपको याद ये रखना है कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सो यहां पर दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, दोनों को यहां पर ऐड कर देंगे, यानी a+b=1/10 और यहां पर प्लस के 1/15। वर्क में बात चल रही है, वर्क में, यानी ये काम जो हो रहा है ये वर्क में हो रहा है ना, पर 1 दिन की बात हो रही है। तो यहां पर अब मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के पश्चात 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। सर एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों के पहाड़े में आता हो, 10 + 30 और 3 + 3 प्लस की 15 × 20 और 2 + 2 आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 × 2 = 5/30, 5/30 वर्क, 5/30 वर्क, ठीक है, 1 दिन की बात हो रही है। सो यहां पर इसको अगर मैं काटता हूं तो 5 × 6 = 30 यानी 1/6 आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर बात हमें टाइम की बता रहा है, कितने दिन में पूरा कर सकेंगे दोनों मिलकर, तो जरा सच बताओ वर्क यहां पर 1/6 है तो कितना आ जाएगा, इसको उलट देंगे दिनों की संख्या आ जाएगी, यानी a+b इन दोनों को मिलकर 6 दिन में, यानी ये दोनों इस काम को मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकेंगे, 6 दिन में। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जरा एक बात मुझे बता दीजिए। शॉर्ट ट्रिक साइड में सॉल्व करता हूं, इस साइड में सिर्फ इस वाले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, इस वाले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, इस वाले स्टेप में शॉर्ट ट्रिक में यहां पे लिख भी देता हूं शॉर्ट ट्रिक, बस आपको थोड़ा सा वेट और करना है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, यहां पर हम लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिखेंगे कि ए जो है वो किसी काम को, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए उस काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर पा रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, कितना आएगा सर, 30 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दूसरे स्टेप में इस 30 से यानी 10 को डिवाइड कर देना है, 30 से 10 + 30 तो यहां पर आपका 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद में इसको डिवाइड करेंगे 15 को, तो 15 × 30 2 यहां पर हमारा आ जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है 1 दिन में 3 कुर्सियां बना पा रहा है, काम 30 है, 30 कुर्सियों से आप कुर्सी के स्टेप से समझिएगा, कुर्सी के माध्यम से, तो 30 कुर्सी है टोटल, 30 कुर्सी यानी 1 दिन में वो 10 कुर्सी बना पा रहा है, सॉरी 3 कुर्सी बना पा रहा है, 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। तो 10 + 30 यानी 1 दिन में वो तीन तीन कुर्सियां बना पा रहा है, और बी 1 दिन में 2 कुर्सियां बना पा रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा सर, 3 और 2 = 5, टोटल काम कितना 30, 30 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 × 6 = 30 दिनों की संख्या आ जाएगी, यानी दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से भी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे या लॉन्ग ट्रिक का यूज करेंगे, ट्रेडिशन मेथड का यूज करेंगे, जरा मुझे आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं, अब इस वाले क्वेश्चन को समझिएगा, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें तथा बी इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे वो पूछ रहा है। स्टेप वही फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं हटना है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है,
तो मैं यहां पर लिखूंगा थोड़ा सा, मैं इसकी अगर वो चेंज करता हूं यहां से इंक को, शायद आपको इजीली समझ आ जाए। हाँ ठीक है, तो यहां पर ए और बी है, यानी ए और प्लस बी इसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में पूरा कर पा रहे हैं, और बी इसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर रहा है, बी इस काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। 15 और 20 का यहां पर आपको एलसीएम निकाल देना है, सर कितना आएगा, ऐसा कोई नंबर जो 15 और 20 दोनों के टेबल में आता हो, तो 15 चौका 60 और 20 या 60, यानी 60 इसका यहां पर हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इस 15 को डिवाइड करते हैं, इस चीज को तो आप समझ रहे होंगे ना, 60 से, तो 15 चौका 60 तो यहां पर आपका आ जाएगा 4, और यहां पर आपका आ जाएगा कितना 20 या 60, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जरा मुझे सच बताओ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 कुर्सियां बना पा रहे हैं, कुर्सियों से समझना है, सिर्फ कुर्सियों से, है ना, 60 कुर्सी टोटल है, एक दिन में 4 कुर्सी बना पा रहे हैं, ठीक है, और बी इस एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 3 कुर्सी बना पा रहा है, तो बी यानी इस बी जब बी को हम माइनस करेंगे, यानी इन 3 को माइनस करेंगे हम, यहां पर माइनस कर देंगे 3 जो बी बना रहा है, तो यहां पर हमारा यानी ए जो है वो एक दिन में एक ही कुर्सी बना पा रहा है, कुर्सियां टोटल कितनी है, 60 है। वो कह रहा है इस वाले स्टेप में कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो यहां पर जो है ए वो एक दिन में एक कुर्सी बना पा रहा है, तो 60 दिन में कितनी कुर्सी बना पाएगा, आप जरा मुझे बताएं, सर 60 दिन में यानी एक दिन में एक बना पा रहा है, तो 60 दिन में 60 से एक की मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 कम 60, तो यहां पर आपका यानी एक यानी वो इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। जोन से भी ऑप्शन में आ रहा होगा उसको आप टिक जरूर करके आएंगे, सो मैं यहां पर ऑप्शन को लिख भी देता हूं, ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी आपका 60 और ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर 65 और ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका 70, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये वाला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर, अब क्या बोल रहा है जरा ध्यान से समझना। सोनू मोनू से दुगनी गति से काम करता है, क्षमता वाला क्वेश्चन आया है, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आया है। सोनू मोनू से दुगनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, तो सोनू अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे वो पूछ रहा है, कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहां पर सोनू लिखना है आपको, यहां पर सोनू, सोनू चार ऑप्शन दे दूंगी आपके स्क्रीन पर, यस सर, तो चार ऑप्शन गए आपके स्क्रीन पर। अब पहला ऑप्शन आपका 18 डेज और दूसरा ऑप्शन आपका यहां पर, दूसरा ऑप्शन आपका यहां पर 1/18 डेज और सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अब, यानी यहां पर आपका 70 डे, ठीक है, और यहां पर आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन गया आपके स्क्रीन पर, यानी यहां पर आपका 90 डेज, ठीक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे सॉल्व इसको, यानी सोनू को यहां लिखना है और मोनू को यहां लिखना है। सोनू मोनू एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ेंगे भैया, आज ये एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ेंगे। सोनू जो है वो मोनू से दुगनी गति से काम कर रहा है, अगर राम यानी यहां पर सोनू अगर दो काम कर पा रहा है, तो सोनू जो है वो यहां पर एक ही काम कर पा रहा है, यानी सोनू जो है वो दुगना काम कर रहा है ना मोनू से, है ना। तो यहां पर क्या काम करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके, इन दोनों की क्षमताओं को ऐड करके आपको यहां पर लिख देना है। यहां पर आपने लिखा, इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, यहां पर लिखा आपने, और उसके बाद में क्या काम किया, उसके बाद में हमने इसकी दो से डिवाइड कर दिया, क्योंकि काम जो है वो दो है ना, दो बंदे कर रहे हैं काम को, कितने से इंटू करेंगे सर, यहां पर यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इसकी 12 से क्या कर देंगे, इसकी 12 से हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 2 × 12 और 6 × 18, तो इस काम को दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई या नहीं जरा मुझे एक बार आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि दोस्तों टाइम एंड वर्क को लेकर के कॉन्फिडेंस पैदा हो गया या नहीं जरा कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं अब, और चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गए अब। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर 7 डेज, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर 8 डेज, और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर 6 डेज,
और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेवन डी जो है वो कौन सा है, यानी यहाँ पर आपका 8 डेज आ जाएगा, 8 सॉरी यहाँ पर आप 10 कर लीजिएगा इसको, ये 18 डेज कर लीजिएगा, चूंकि ऑप्शन तो गलत ही है ना, पहले बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। टाइम एंड वॉर एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बस इसको याद रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिनों में तथा बी अकेला इसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो बी ने इस काम को 10 दिन करके छोड़ दिया। बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे ये वाला क्वेश्चन देख करके, बी जो है वो भगोड़ है, भाग गया काम करके, पूरा कोई पूरा उसने काम नहीं किया है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर वही कंसेप्ट को क्लियर करना है, यानी ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को वो 18 दिनों में पूरा कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद में बी जो है वो इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। तो 18 और 15 का एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 18 और 15, यानी एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, दोनों के पहाड़ों में आता हो। तो यहाँ पर आपका ये 90 हो जाएगा। 90 होने के पश्चात आपको डिवाइड करना है, यहाँ पर 18 को जब 18 से डिवाइड करोगे 90 को, तो यहाँ पर 18 पंजे 90 यानी 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 15 छंग 90 है ना, यहाँ पर आपका 15 छंग 90 आ जाएगा। अब जरा मुझे ये बताओ कि ए जो है वो एक दिन में 5 कुर्सियां बना पा रहा है, कुर्सियों से समझना है, सिर्फ कुर्सियों से। ए जो है एक काम को 5 दिन में कर पा रहा है और बी जो है वो उसी काम को 6 दिन में कर पा रहा है, तो जरा मुझे सच बताओ आप कि बी जो है, बी ने इस काम को 10 दिन करके छोड़ दिया, एक दिन में बना रहा है 5 कुर्सियां, 10 दिन में कितनी बनाएगा सर? यहां पर इसकी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पंजे 50, यानी वो 10 दिन में 50 कुर्सियां ही बना पा रहा है, 10 दिन में। यहाँ पर 18 छंग 90, 18 की अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पर 15 छंग 90 और 18 पंजे 70, यहाँ पर 18 से डिवाइड अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 18 चौका 18 18 18 चौका 72, ठीक है 5 आ रहा है, और 15 छंग 90 बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पर, 5 और 6 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर बी की बात कर रहा हूँ मैं, ए की नहीं कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, बात ए की वो कर रहा है। सो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके थोड़ा सा अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर कोई मिस्टेक वाली बात आपकी नहीं होगी। यहाँ पर आपने मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ यहाँ तक। सो यहाँ से फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फिर दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर वो हमसे बोल रहा है क्या, ये इंक बड़ी परेशान करती है भाई। हाँ तो यहाँ पर 18, देखिए ए जो है वो एक दिन में 5 कुर्सियां बना पा रहा है, और बी इस काम यानी बी जो है एक दिन में 6 कुर्सियां बना पा रहा है, और जरा क्वेश्चन को ध्यान दो कि बी ने इस काम को 10 दिन करके छोड़ दिया। तो जरा सच बताओ कि एक दिन में, यानी यहां पर अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी का यानी काम ना निकल का आ जाएगा, 10 दिनों का काम निकल जाएगा, 10 छंग 60, यानी यहां पर बी जो है उसने 60 कुर्सियां बनाई, उसने 60 कुर्सियां बनाई। अगर मैं यहां पर 60 को माइनस कर देता हूं 90 में से तो कितना बचेगा सर, यहां पर 30 बचेगा। अब 30 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो यहां पर 5 से डिवाइड करते ही 5 छंग 30, तो यहां पर 6 दिन आ जाएगा। किसकी किसके यानी किसकी आई ये बात, यहां पर पूछ रहा है कि इस काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो इस काम को ए अकेला 6 दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी मुझे पूरी उम्मीद है। चलता हूं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और गया आपकी स्क्रीन पर। अब बहुत आसान है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं। आपको याद रखना है टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 4 ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर ए गया आपकी स्क्रीन पर अब, जो कि यहां पर 4 दिन दिया हुआ है, 4 डेज यानी 4 दिन, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर 5 दिन, 5 डेज, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर 6 दिन, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर 7 डेज यानी 7 दिन, ठीक है। अब कैसे करेंगे सॉल्व इसको, ध्यान से समझना भाई। एक काम का आधा भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है, ए जो है एक काम का आधा भाग 5 दिन में कर रहा है। तो जरा मुझे सच बताओ कि ए जो है वो एक काम को 10 दिन में पूरा नहीं करेगा, ए जो है वो एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकेगा, है ना भाई? आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को 10 दिन तो लगाएगा ना वो? हाँ सर बिल्कुल लगाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि बी इसी काम को 3/5 भाग 9 दिन में पूरा कर रहा है। जरा यहां पर इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यहां पर काम को 3/5 भाग
काम जो होता है वो टाइम, यानी काम जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, वर्क का उल्टा होता है, वर्क और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर नौ और इंटू करेंगे कितने से, इसके उल्टे से इंटू कर देंगे, यानी 5/3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ से दिनों की संख्या निकल जाएगी। 5/3 से करेंगे, 3 * 9 और 5 * 3 = 15, यानी बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी इस काम को 15 दिन में पूरा कर पा रहा है। तो उसके बाद में ठीक इसी प्रकार सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो मैं 8 को यहां लिखूंगा और इंटू करूंगा इसके उल्टे से, यानी 3/2 से, 3/2 से जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 * 4 = 8 और 4 * 3 = 12। तो यहां पर यानी सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। मैं अब इन तीनों का एलसीएम आपकी स्क्रीन पर लिखता हूं, तीनों का एलसीएम आपके स्क्रीन पर लिखता हूं। ऐसा कोई नंबर जो तीनों के पहाड़े में आता हो, 15 यानी 12 * 5 = 60 और 15 * 4 = 60 और 10 * 6 = 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के पहाड़े में आ रहा है। अब करना क्या है, अब करना इतना सा स्टेप है कि 10 को डिवाइड करना है 60 से, तो यहां पर आ जाएगा 10 * 6 = 60 और 15 को करेंगे तो 15 * 6 = 60 और उसके बाद में यहां पर आपका आ जाएगा तीसरे उसमें, यानी 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 * 5 = 60 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब तीनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे +6 और यहाँ पर +4, 6 और 4 = 10, 10 और 5 = 15, यानी 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और 15 को इस 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 * 6 = 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। A+B और +C। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों टाइम एंड वर्क को लेकर के आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका होगा। आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। क्वेश्चन समझ आए, वीडियो पसंद आई, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। नहीं पसंद आई कोई जरूरत नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप बने रहिएगा स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।